अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। आज मैं बीफ की बिरयानी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 6 प्याज ली, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 3 एलचे लिए और 4 दालचीनी ली हुई है, 7 टमाटर हैं और 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 किलो दही लिया हुआ है मैंने, 1 टेबल स्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया डाला है और 2 बिरयानी के पैकेट डाले हुए हैं मैंने। और मैं ये 2 किलो गोश्त की बना रही हूँ बिरयानी, यानी 5 गिलास चावल, 2 कटी मैंने धनिया लिया है और 6 से 7 मैंने हरी मिर्ची ली है, इसे मैं बाद में आखिर में डालूंगी। ये देखें हमारी प्याज हो गई है, मैं अदरक लहसुन और टमाटर डाल दूंगी, इसकी भुनाई हो जाएगी, फिर मैं दही और मसाला डालूंगी। टमाटर हमारे गल गए हैं, अब ये दही का मसाला जो सारा है वो इसके अंदर डाल के अब इसे मिक्स करके अच्छे से सालन की भुनाई हो रही है। अब मैं इसमें जो गोश्त कुकर में बॉयल कर रहा था उसका पानी इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखें गोश्त मैंने अलग निकाल लिया है, यखनी का पानी है, मैं इस सालन के अंदर डाल दूंगी। ये देखें मैं डाल रही हूँ पानी, ये सारा जायका इसका जो है, और इसको अब मैं फास्ट चूल्हे में रखूंगी कि फास्ट चूल्हे में जब भुनाई ज़रा सा बाकी होगा फिर मैं गोश्त डालूंगी इसके अंदर। ये देखें अच्छे से हो गई इसकी भुनाई, अब मैं इसमें ये सारा गोश्त डाल दूंगी और इसे मैं फास्ट चूल्हे में ही करूँगी, गोश्त में अच्छे से मसाला चलेगा। ये देखें हमारा मसाला थोड़ा सा बाकी इसके अंदर पानी, तो मैं इसमें धनिया और मिर्ची डाल दूँगी जो अच्छे से हो जाएगी। देखिए अच्छे से हो गया है भुनाई, अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए, अब ये हो गया, अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। ये देखिए हमारे अच्छे से चावल बॉयल हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर चावल रखती हूँ, अब मैं गोश्त का मसाला डालूँगी, फिर इसके ऊपर वापस से मैं इसके ऊपर चावल डालूँगी, फिर वापस से मैं इसके अंदर गोश्त का मसाला डालूँगी और फिर वापस चावल डाल के फिर मैं इसके अंदर गोश्त का मसाला डालूँगी। इस तरीके से 3 लेयर बनाऊँगी क्योंकि 5 गिलास चावल है। और इसे मैं फिर रेड कलर इसके अंदर डाल दूँगी और ऑरेंज कलर डालूँगी और 15 मिनट तक इसे हल्की आँच में मैं रख दूँगी दम में। ये देखिए हमारे मज़ेदार गोश्त की बिरयानी तैयार है, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े की बनी थी गोश्त की बिरयानी, बहुत ही यमी थी, इसका मसाले का जायका पूरे चावलों में बहुत अच्छे से था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।